बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस लाहौर। This is the course of teaching of mathematics to mentally challenged children, and this course is from our masters of special education with an area of specialization mentally challenged. The course code is SPED 4139, and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is analytical method. So in today's lesson we will discuss different characteristics, merits and demerits of analytical method. So first of all we will discuss a brief introduction of analytical method. Analytic word is derived from analysis, and the word analysis means breaking up. Break up the unknown problem into simpler parts and then see how these can be recombined to find the solution. So breaking up ka simply meaning ye hai ki aap kisi complex cheez ko simple parts mein break up karte hain uska, aur uske baad jo uske single parts hote hain unko hum combine karte hain aur uska ek solution find out karne ki try karte hain. So this is all about analytical method, कि इसमें हम ब्रेकअप करते हैं प्रॉब्लम का. नाउ वी विल डिस्कस फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल मेथड. तो सिंपली हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि एनालिटिकल मेथड का सिंपल मीनिंग ये है कि ब्रेकअप करना डिफरेंट, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसको छोटे छोटे सिंपल टास्क में डिवाइड करना, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड. अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोसीड्स फ्रॉम अननोन टू द नोन फैक्ट्स. सो इसमें जब हम एक, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है और उसको हम ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली हम एक अननोन सिचुएशन से नोन फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. जब हमारे पास सिंपल पार्ट्स में एक चीज़ आ जाती है तो वो फिर हमारे नोन फैक्ट्स में चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ब्रेकअप करना तो उस वक्त हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसको, उसकी इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं होती और वो हमारे लिए एक अननोन प्रॉब्लम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जब सॉल्व करने की तरफ लेकर जाते हैं तो हम उसे नोन फैक्ट्स में चेंज कर रहे होते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी, बिकॉज हम इसमें डिस्कवर कर रहे होते हैं सोल्यूशन को जो कि एट द एंड हमारे पास आता है, तो इस वजह से हम इसको मेथड ऑफ डिस्कवरी भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लोरेशन, बिकॉज इसमें हम जो सोल्यूशन है उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फ्रॉम अननोन टू नोन फैक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो बेसिकली उसमें एक प्रोसेस जो एक्सप्लोरेशन का है वो यूज़ हो रहा होता है. इट इज़ लेंथी एंड लेबोरियस. हमने पहले भी देखा कि जब वेन एवर वी हैव टू एक्सप्लोर द सिचुएशन इट टेक्स टाइम, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में हमें ये नहीं पता होता कि हमने इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पर, और या फिर हम एक्शंस के थ्रू हम उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू सिचुएशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. समटाइम्स ये होता है कि जो मेथड आपने एक्सप्लोरेशन के लिए चूज़ किया है वो एट द एंड इतना बेनिफिशियल नहीं होता, और आपको दोबारा पहले स्टेप पर जाकर किसी चेंज स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए दोबारा से एक्सप्लोरेशन फेज़ को कंप्लीट करना पड़ता है. तो इस केस में ये काफ़ी लेबोरियस मेथड हो जाता है, लेंथी होता है, और क्योंकि इसका इतना सिंपल सोल्यूशन नहीं मिलता. इट पुल्स अ पार्ट और ब्रेक्स अप द स्टेटमेंट अंडर सोल्यूशन, क्योंकि ये जो भी सोल्यूशन हमने, जो भी स्टेटमेंट है जिसके हमने सोल्यूशन या जिसको हमने सॉल्व करना होता है उसको ये ब्रेकअप करता है उसका डिफरेंट पार्ट्स में, तो इस तरह से ये उसको सिंपल बनाने में हेल्पफुल होता है. इट कैन बी रीडिस्कवर्ड. सो इसमें ये होता है कि जब हम एक दफ़ा उसका सोल्यूशन डिस्कवर कर लेते हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी मौजूद हों, सो एक ही प्रॉब्लम को दोबारा से रीडिस्कवर भी किया जा सकता है. और अगर फर्स्ट टाइम आपने किया है और आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए और जो करेक्ट आंसर है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सके, तो दोबारा फर्स्ट स्टेप से जाकर रीडिस्कवरी भी स्टार्ट की जा सकती है.
इट इज़ स्लो राउंड अबाउट एंड इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर बिकॉज इसमें इसकी स्पीड इसमें काफ़ी स्लो होती है जब हमने डिस्कवर और रीडिस्कवर के प्रोसेसेस में और एक्सप्लोर करने के प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा जो प्रोसेस होता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। राउंड अबाउट मीन्स के बार बार आप एक ही चीज़ के गिर्द घूम रहे होते हैं। अगर आपने एक जो स्ट्रेटजी है उसको चूज़ किया है और आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि वो वर्कआउट नहीं कर रही तो आप एक न्यू स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं, दोबारा उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं कि उसमें आगे जाकर क्या होने वाला है। तो ये राउंड अबाउट चलता रहता है और जब आप एक उसका सोल्यूशन डिस्कवर कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगेन आप उसी स्ट्रेटजी को फिर अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से ट्रायल एंड एरर में भी ये है कि अगर आपने आंसर ठीक आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। सो एक ट्रायल एंड एरर की कैफियत जो है वो चलती रहती है और इसी ट्रायल एंड एरर की वजह से हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ये जो मेथड है इट इज़ क्वाइट लेंथी एंड लेबोरियस क्योंकि बार बार आपको ट्रायल एंड एरर की बेसिस पर इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। इट आंसर्स सेटिस्फैक्ट्रली एंड क्वेश्चन दैट मे अराइज इन द माइंड ऑफ द पीपल। तो इसमें ये होता है कि जब आप इसका प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि जब आपको एक पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी क्लियरली आपके हाथ में आ जाती है कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रेटजी जो है ये वर्कआउट करती है, सो वो एक लॉन्गर टर्म में आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता है कि उससे मिलते जुलते कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम से रिजेंबल करता होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी बैंक आप बना लेते हैं और उसमें से आप अपनी एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी को चूज़ कर लेते हैं और उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो आपका स्ट्रैटेजी बैंक है वो वास्ट होता जाता है, उसको वो बड़ा होता जाता है और उसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आपके पास जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी कोई नया प्रॉब्लम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि उससे रिजेंबल करता हुआ कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व किया है तो उससे रिजेंबलिंग या अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी आप अपने स्ट्रैटेजी बैंक में से चूज़ कर सकते हैं और उससे क्विकली ये हो जाता है। फिर थोड़ा सा इसकी इसको इसके प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है कि सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप अपने जो स्ट्रैटेजी बैंक होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन दैट मे अराइज इन द माइंड ऑफ पीपल, तो जो भी क्वेश्चंस बच्चों के जहन में आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तो उनको ये सेटिस्फैक्ट्रली सेटिस्फाई कर पाता है, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ता ये मेथड जिसमें बच्चों को ये एम्बिग्विटी रहे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, इसका ये वाला जो पोर्शन है या कोई भी पार्ट है वो कैसे उसको सोल्यूशन उसका हमने फाइंड आउट किया है। क्योंकि इस मेथड में हम करते ही ये हैं कि हम जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके स्टेप्स में डिफरेंट, जब वो छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन उसका हो जाता है तो बच्चे मेक श्योर करते हैं और टीचर भी मेक श्योर करते हैं कि हर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को सेटिस्फाई उसका वो उसके सोल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाएं। तो जब एक स्टेप से वो सेटिस्फाई होंगे देन दे विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, तो एक स्टेप को सेटिस्फाई किए बगैर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर पाते, तो इस तरह से जो है वो वन बाय वन उनकी क्लैरिटी डेवलप होती जाती है उनके माइंड में, जितने भी क्वेश्चंस आते जाते हैं हर क्वेश्चन को वो प्रॉपरली क्लैरिफाई करते जाते हैं। इट इज़ अ जनरल मेथड, इट इज़ अ मेथड फॉर द थिंकर एंड डिस्कवरर, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो के हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू या क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर एक थिंकिंग कैपेसिटी मौजूद होती है कि वो एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकें और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें, उनका सलूशन फाइंड आउट कर सकें, जो कि बेसिकली बाय नेचर डिस्कवरर बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं जो कि अननोन होती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी मौजूद होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की क्लास में ये जो मेथड है इसको अप्लाई किया जा सकता है सक्सेसफुली। द स्टूडेंट्स कैन रिकॉल एंड रिकंस्ट्रक्ट ईजिली एंड स्टेप इफ एनी स्टेप इफ फॉरगॉटन,
ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो, क्योंकि ब्रेकअप किया होता है हमने हर मेजर प्रॉब्लम को उसके सिंपल पार्ट्स में उसका ब्रेकअप किया होता है, तो हर बच्चा जो है वो इजीली हर स्टेप को रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिकॉल करता है। बार बार जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ मैथ्स में, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे तरीके से हर स्टेप का जो सोल्यूशन है वो याद होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई भी एक स्टेप उसको भूल गया तो वो उस एक स्टेप के लिए ये होता है कि वो दोबारा से उन स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करके रिकॉल करके उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है और अगले स्टेप की तरफ मूव कर सकता है। इट डेवलप्स ओरिजिनैलिटी अगेन, वो कि क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जो उसका मेजर पार्ट होता है उसके जो सिंपल पार्ट होता है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर ये ओरिजिनैलिटी डेवलप करता है। यानी हर एक सोल्यूशन जो है वो खुद से फाइंड आउट करते हैं उसका सोल्यूशन, और उसके बाद वो आगे मूव करते हैं। तो ए अ काइंड ऑफ ओरिजिनैलिटी बच्चों में डेवलप होती है, रोट मेमोराइजेशन डेवलप नहीं होती, रोट मेमोराइजेशन इसमें बल्कि होती ही नहीं है, क्योंकि एनालाइज जब आप करते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप को आप प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू फॉलो कर रहे होते हैं और उसको मेमोराइज भी कर रहे होते हैं, तो रोट मेमोरी नहीं होती इसमें, या समझ के उसको प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ग्रैस्प करते हैं उस आइडिया को और उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो रही होती है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, ओरिजिनैलिटी डेवलप हो रही होती है इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। इट इज़ इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, यानी फॉर्मल इसमें इतनी लर्निंग नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर उसमें स्टेप्स में काम कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वन बाय वन जो है वो अपना हर एक स्टेप का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है। फॉर्मल तो वो वे ऑफ लर्निंग होगा ना जिसमें टीचर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और टीचर हर स्टेप को क्लियर करता जा रहा है, तो एक फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग इसमें यूज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि इनफॉर्मल वे में बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ों को। इट इज़ फॉर्मेशनल, यानी ये एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो फॉर्म हो रही होती है इसके अंदर, सो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग का एक काम इसमें हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फॉर्मेशनल वे ऑफ लर्निंग है। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक लाइंस, ह्यूरिस्टिक जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है बेसिकली उसकी उसके क्रक्स भी इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। इट इज़ अ फोर रनर ऑफ 16, सो इस पॉइंट को ये इतना रेलिवेंट नहीं है, तो इसके हमने 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है एनालिटिकल मेथड के। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड पर्टिकुलरली दोज एग्जांपल्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। हियर इज फर्स्ट एग्जांपल, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, प्रूव दैट ए सी माइनस 2b² प्लस डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bd डिवाइडेड बाई डी। सो ये एक अगर हमारे पास स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स की, हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और बाई यूजिंग दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रूव द नेक्स्ट इक्वेजन। सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम अननोन, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, यानी ज़ाहिर है जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो जो हमारे हमें एक सिचुएशन गिवन है, जो एक स्टेटमेंट गिवन है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी है ये गिवन है, ये नोन है, ठीक है ना, तो नोन को नोन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एनालिटिकल जो मेथड होता है वो स्टार्ट करता है अननोन से और मूव करता है टुवर्ड्स नोन, ठीक है। तो इस जो हमारी एग्जांपल की जो फर्स्ट लाइन है, अगर आप यहाँ पर इसको शो, ये जो आपको शो हो रही है इसको आप देखेंगे, तो ये जो हमारे पास गिवन है ये नोन फैक्ट है, यानी ये हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी, तो ये एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है, ये नोन है, इस सोल्यूशन तक हमने पहुंचना है, ठीक है। और हमने ये फिर प्रूव करना है कि ए सी माइनस 2b² डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bd डिवाइडेड बाई डी। तो इस तरीके से इस यहाँ से इस सिचुएशन से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो इस तरह से फर्दर जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हियर इज़ अनदर एग्जांपल फ्रॉम मैथमेटिक्स, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, प्रूव दैट 2 log a + b इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log a + log b, ठीक है। तो अब अगर यानी जब हमारे पास सिचुएशन गिवन होती है और उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, तो इस तरह से के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर हम एनालिटिकल मेथड को यूज़ करते हैं।
टू प्रूव दिस यूजिंग एनालिटिकल मेथड बिगिन फ्रॉम अननोन. अननोन इसमें क्या है, 2 log a plus b is equal to 2 log 3 plus log a plus log b. इस अननोन से हम स्टार्ट करेंगे और जो फाइनली हम पहुंचेंगे वो a square plus b square is equal to 7ab तक पहुंचेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. तो इस केस में आपको इन मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इन एग्जांपल्स को शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि समटाइम्स आपको सिचुएशन गिवन होती है और बता दिया जाता है कि सिचुएशन में आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. तो वो आपके पास एक गिवन सिचुएशन होती है, अननोन से आप स्टार्ट करते हैं और नोन की तरफ, उसके सोल्यूशन की तरफ आप उसको लेकर जाते हैं. नाउ देयर आर अ फ्यू मेरिट्स ऑफ एनालिटिकल मेथड. इट डेवलप्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग. क्योंकि जब बच्चे इसको यूज़ करते हैं तो बच्चों में ऑटोमेटिकली थिंकिंग प्रोसेस उनका जो है वो डेवलप होता है, रीजनिंग स्किल्स उनकी इन्हेंस होती हैं. इट डिवेलप्स ओरिजिनैलिटी एंड क्रिएटिविटी अमंगस्ट द स्टूडेंट्स. इट हेल्प्स इन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज द स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस देमसेल्व्स. तो इस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डिवेलप होती है. देर इज़ लीस्ट होमवर्क बिकॉज द होल दे हैव टू डू इज़ इन द क्लास रूम. तो जितना काम वो कर रहे होते हैं वो क्लास में इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर दे आर डूइंग द वर्क. सो देर इज़ लीस्ट होमवर्क फॉर टू कैरी टू देयर होम. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज मैक्सिमम. बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. इन दिस मेथड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज इनक्रेज्ड. इट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल मेथड. यानी इसमें बच्चा साइकोलॉजिकली डिवेलप कर रहा होता है क्योंकि जब वो एक अपने एक प्रोसेस पूरे को फॉलो करते हुए व्हेन द स्टूडेंट इज़ एबल टू फाइंड आउट द आंसर बाय देमसेल्व्स तो वो बड़ा उसको प्राउड फील करते हैं और साइकोलॉजिकली उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बड़ी रेज होती है बच्चों की क्योंकि उन्होंने एक सक्सेस को जो है वो मीट किया होता है. नो क्रैमिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दिस मैथड. ज़ाहिर क्रैमिंग नहीं होती, रोट मेमोराइजेशन नहीं होती. टीचिंग बाय दिस मैथड टीचर कैरीज द क्लास विद हिम. इसमें ज़ाहिर है जब टीचर काम करवा रहा होता है तो उसको ये फील होता है कि पूरी क्लास उसके साथ चल रही है लर्निंग के प्रोसेस में. नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड. इट डिवेलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंट इन द पीपल. तो बड़ा अच्छा उनमें कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने का एक कॉन्फिडेंस उनमें आता है और वो सेल्फ रिलायंट होते हैं. यानी खुद से मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की एबिलिटी बच्चों में डिवेलप होती है. नॉलेज गेन्ड बाय दिस मेथड इज़ मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल. डेफिनेटली जब एक बच्चे खुद से प्रैक्टिस करके एक गो थ्रू करते हैं प्रोसेस को और खुद से एक्सप्लोर करते हैं सोल्यूशंस को तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है उनकी, ड्यूरेबल लर्निंग होती है. क्योंकि उन स्ट्रैटेजीज़ को जब वो सीख लेते हैं तो वो फिर न्यू किसी भी आने वाली सिचुएशन में जो ऑलरेडी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ लर्न की होती हैं उनको ईजिली अप्लाई कर लेते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक मैथड. हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है. Now here are a few demerits of this method. It is time consuming and lengthy method, so it is uneconomical. It is uneconomical in the sense of time. क्योंकि हमारे पास स्कूल जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं और विद इन दैट हमने हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम एलोकेट किया होता है. उसका जो कंटेंट है उसको कवर करने के लिए टीचर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप करना पड़ता है. सो इन चीज़ों को मीट करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें हमें एक प्रॉपर टाइम के अंदर सिलेबस को कवर करना होता है. लेकिन जब हम इस तरह के मेथड्स को क्लास में यूज़ करते हैं लाइक एनालिटिकल मेथड तो जो कि अननोन फैक्ट्स से नोन फैक्ट्स की तरफ लेकर जाता है और एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, लेबोरियस प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, तो इन द सेंस ऑफ टाइम जो है वो ये एक अनइकोनॉमिकल मेथड हो जाता है. समटाइम्स ये होता है कि हम अगर बार बार कुछ ज़्यादा हम अगर इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, किसी और मेथड के साथ इसको रिप्लेस नहीं कर रहे तो फिर फाइनली ये होता है कि समटाइम्स हमारे पास टाइम शॉर्ट हो जाता है और सिलेबस अभी तक पड़ा होता है कवर करने के लिए. तो इस वजह से ये लेंथी प्रोसेस होता है. इन इट फैक्ट्स आर नॉट प्रेजेंटेड इन अ नीट एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर. ठीक है, तो इसमें उस तरह से समटाइम्स ये होता है कि जो प्रॉब्लम प्रेजेंट की जा रही होती है उसकी इतनी ज़्यादा क्विकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती. यानी प्रॉब्लम को समझना इटसेल्फ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि ये क्या है और क्या पूछा जा रहा है और कहाँ से फिर हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट हमने करना होता है अननोन से. तो इस वजह से ये अगेन या इस प्रोसेस में ही ये टाइम टेकिंग हो जाता है और क्योंकि जो प्रेजेंट की जा रही होती है इन्फॉर्मेशन वो कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होती.
दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. बहुत कम टॉपिक्स होते हैं मैथ के जिनको आप अननोन फैक्ट्स के से नॉन फैक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं. सो हर तरह के मैथ्स के प्रॉब्लम्स के लिए ये सूटेबल नहीं है. दिस मेथड दिस डज़ नॉट फाइंड फेवर विद ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स फेल टू फॉलो दिस मेथड. बिकॉज इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं. बच्चों ने जो है वो उनकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करनी होती है और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं. तो जब भी इस किस्म के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं. तो या तो इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ग्रुप्स में, और ग्रुप्स जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स हों जिसमें मल्टीपल एबिलिटीज़ के लोग एक ग्रुप के अंदर मौजूद हों, तो उसमें ये फिर इसको कवर अप किया जा सकता है कि जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो कवर कर लेते हैं और वो प्रोसेस को लीड कर रहे होते हैं, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं. तो अगर आप ग्रुप्स में काम नहीं करवाते तो फिर इस मेथड की जो एप्लीकेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए. और स्टिल अगर आप ग्रुप्स के में भी काम करवा रहे होते हैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो इसको स्ट्रगल कर रहे होते हैं. जब आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कोप करने के लिए. जो भी जो लाइक बच्चे जो काम कर रहे होते हैं उसको फॉलो करने के लिए ये बच्चे बिलो एवरेज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. और अगर वो कर भी पाते हैं इन बच्चों के साथ तो उस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स बिलो एवरेज बच्चों के अंदर ये मेथड डेवलप नहीं कर पाता. एवरी टीचर कैन नॉट यूज़ दिस मेथड सक्सेसफुली बिकॉज इसकी अपनी एक टेक्निकल ये मेथड है. तो टीचर के पार्ट में भी यानी कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं, तो शायद वो उतना अच्छा एनालिटिकली इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते अपनी मैथ्स की क्लासरूम में. पर्टिकुलरली मैथ्स के जो क्लासरूम होता है उसमें ये सूटेबल है फॉर टीचिंग ऑफ अरिथमेटिक, अलजबरा एंड ज्योमेट्री. तो ये तीन जो पार्ट्स हैं मैथ्स के, इन तीनों को पढ़ाने के लिए ये मेथड काफ़ी सूटेबल है. एज इट एनालाइजेज द प्रॉब्लम्स इन टू सब पार्ट्स एंड वेरियस पार्ट्स आर रीऑर्गेनाइज एंड द ऑलरेडी लर्न्ड फैक्ट्स आर यूज टू कनेक्ट टू नोन विद अननोन. ठीक है, तो ये कनेक्शंस डेवलप करने के लिए मेथड यूज़ हो रहा होता है. तो उस तरह से इसमें फिर जो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री है उनको सॉल्व जब प्रैक्टिकली करवाना होता है हमने बच्चों को, तो उसके लिए हम एनालिटिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं. इट पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन रीजनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स. क्योंकि रीजनिंग डेवलप करना, हमने स्टार्ट में भी के लेक्चर्स में भी देखा है कि मैथ इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो जो बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिनकी वीक होती हैं, बेसिकली वही बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं. तो एक मेजर एम जो है वो मैथमेटिक्स का रीजनिंग डेवलप करना होता है. और ये मेथड जो है ये चूंकि इसका भी एक मेजर एम रीजनिंग डेवलप करना है, सो इट मैचेस विद द मैथमेटिक्स. तो काफ़ी अच्छा मेथड है मैथमेटिक्स की क्लासरूम में यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें इससे ये होता है कि बच्चे जो हैं वो रीजनिंग स्किल्स उनकी डेवलप हो रही होती हैं. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स में भी हमने देखा है कि सारे के सारे जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता. लाइक जब आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, तो इनसे आगे जब आप एडवांस मैथमेटिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर एनालिटिकल मेथड जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जहाँ पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता. सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिटिकल मेथड. वी हैव डिस्कस्ड इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड इट्स यूज इन मैथमेटिक्स, एंड आई हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. सो बेसिकली जो क्रक्स है, क्रक्स इस पॉइंट का ये है, इस मेथड का ये है कि इसमें द मेजर प्रॉब्लम इज़ ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्ट्स एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज़ लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़. प्रैक्टिकली बच्चा उसको एक्सप्लोर करता है और हर एक स्टेप को क्लियर करता जाता है और उसकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करता जाता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.